चलिए चालू हो जाएंगे हिस्ट्री रेडी। जल परा रे गदा कही का, तुम दरोगा वाला है नहीं तो इसमें बैठा गया है, कौन चीज टालते रहती है सब्जी, अब ये टालना चालू कर दी दुकान, पीडीएफ घट जाता है कबो। हाँ तोरे तो दिमागे टकला, देखो उसको दिमाग नहीं, तू भी यहीं बैठी, तेरा दिमाग है तो भी तुम यहीं बैठा है, मतलब तेरा और खत्म है तुम बकलोल। लड़का में केवल काला लड़का को वैल्यू देते हम, ग्रेफाइट को देखो, बदरुद्दीन को देखो, नीलकंठ किधर गया, भाग गया। आगे बढ़े, खरगोश आ जाओ, खरगोश बेचारा आगे बढ़े। लिखित स्रोत नहीं मिला है, इतिहास को तीन भाग में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्यतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए प्रागैतिहासिक में हम पाषाण काल को रखते हैं जिसमें तीन काल आते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। मानव ने आग की खोज किया था, पूरा पाषाण। अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। अस्थाई आवास नव पाषाण। पशुपालन कृषि मन का कृषि आज से कितना साल पहले, 7000 पहले। कौन दो पहाड़ों के बीच में, सुलेमान और किरदार पहाड़ियों के बीच में, किस देश में, पाकिस्तान। जगह का नाम मेहरगढ़। कौन सी खेती, जौ, उसके बाद गेहूं। पालतू जानवर कुत्ता। पहला धातु तांबा। ताम्र पाषाण काल के तांबा की खोज हुई थी, उसके बाद हुआ था। सिंधु सभ्यता में कौन सा धातु, कासा। सिंधु सभ्यता में कासा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से लेके 1750, 2500 से लेके 1750। मातृ सत्तात्मक या प्रीति सत्तात्मक, भाव चित्रात्मक है इसकी। सबसे ज्यादा मोहर पे कौन सा जानवर, एक सिंग। हाथी का चिन्ह मिला, गाय का मिला, तलवार का मिला। सबसे ज्यादा मोहर पे कौन सा जानवर, इस समय कौन सी धातु का खोज। सिंधु सभ्यता का नामकरण जान मार्शल। खुदाई दयाराम सर। लिपि भावचित्र। सड़के समकोण पर, नालियां ढक। पशु एक सिंह वाला जानवर। अपरिचित गाय और तलवार। विदेशी व्यापार में कौन से देश, फारस। विश्व की सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। मातृ देवी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से। स्नानागार मोहनजोदड़ो से। मेकअप का सामान चंद्रदड़ो से। जोता हुआ खेत अलीबाग। बंदरगाह सड़के सड़क पर मिली है लोतल। दुर्ग रहित मिला है चंद्रदड़ो। नदी बताइए लोथल किस नदी किनारे, भोगो। लोथल मोहनजोदड़ो सिंधु। चंद्रदड़ो सिंधु। हड़प्पा रावी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर मिला है। टेराकोटा के सिक्के सिंधु। सोने का सिक्का यूनानी। शुद्ध सोना कुषाण। सर्वाधिक सोना चांदी का सिक्का विक्रमादित्य के समय। आहत सिक्का मौर्य का। पंचमार्ग मौर्य का। मयूर सिक्का शीशे का सिक्का सात। चमड़े का सिक्का रुपया। ग्रंथों के बारे में बताइएगा, बताइए जैन ग्रंथ में आगम किस में, त्रिपिटक, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, चौदह पूर्वा। जैन धर्म से संबंधित त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, जातक ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद की चर्चा, महात्मा बुद्ध की 200 कहानियों की चर्चा, जातक, पूरी जीवनी ललित विस्तार, पूरी जीवनी ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, स
संगीत गले से गाएंगे। सामवेद का गंधर्व, यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थर्वेद का शिल्प वेद, अर्थर्वेद का पुराणों की संख्या 18, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद, उपनिषदों की संख्या, गोत की चर्चा जालोपनिषद, गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में, सत्यमेव जयते, महाकाव्यों की संख्या 2, रामायण की रचना वाल्मीकि, महाभारत की रचना, महाभारत का पुराना नाम कितने श्लोक 8800, कितने पर्व 18 पर्व, रामायण में कितने खंड 7, रामायण के खंडों को कांड कितने कांड, वैदिक काल 1500 से लेके 600, वैदिक काल में सबसे प्रिय जानवर, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, उत्तर भारत का आर्यीकरण किया गौतम राहुगढ़, दक्षिण भारत का आर्यीकरण गौतम अगस्त ऋषि, परुष्णी नदी को रावी, अश्विनी चिनाब, विपाशा शत्रुदी सतलज, सदा नीरा गण, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे पर लोहे की खोज किस साल हुई वैदिक का, पाषाण काल में तांबा, सिंधु सभ्यता में कांसा, वैदिक काल में लोहा, वैदिक काल में लोहा, षष्ठ दर्शन में कितने दर्शन 6, षष्ठ दर्शन में, सांख दर्शन, कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद, उत्तर मीमांसा वादरायण, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर चतुरायन धर्म, पार्श्वनाथ, पंचायन धर्म, कई पढ़ कह रहा है सबने, उसमें पढ़ना है, इधर सुनाते रहना है, ऐसे बोल रहा है, पढ़ रहा है सब, उसको पिछवा लड़का सब पढ़ो नहीं, कोई दिक्कत, इत चुकी में सब लिख दिया, खड़े इत चुकी, पूजा कुमारी सर आप भी एक बार आंसर बोल दिया कीजिए, ठीक है बबनी, पहले आंसर है बोल दे, लोहा, चलिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, चतुरायन धाम ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, चतुरायन धाम पंचायन धर्म, सत्य अहिंसा अस्ते मतलब चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य, 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ महावीर स्वामी, 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी, का जन्म 540 ईसा, वैशाली के कुंड ग्राम, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली, कितने वर्ष में गृह त्याग 30, मोक्ष को क्या कहा गया कैवल्य, त्रिरत्न में केएफसी, नॉलेज फेथ कैरेक्टर, सम्यक ज्ञान सम्यक विश्वास सम्यक आचरण, मृत्यु कहाँ हुई पावापुर, भाषा प्रकृत, मोक्ष के बाद क्या, मोक्ष कैवल्य, मोक्ष प्राप्ति
मोक्ष में बाधा, आत्मा मोक्ष में बाधा, ईश्वर को माना नहीं, कर्म कांड को माना नहीं, पुनर्जन्म को माना माना, पुनर्जन्म का कारण आत्मा, मोक्ष में बाधा आत्मा, मोक्ष को क्या कहा कैवल्य, मोक्ष को क्या कहा कैवल्य, मोक्ष को क्या कहा, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहा हुई थी जाम्बी ग्राम, ज्ञान की प्राप्ति जाम्बी ग्राम, ज्ञान की प्राप्ति जाम्बी, पीपल या साल वृक्ष, साल पीपल के किनारे बुद्ध, महात्मा बुद्ध को पीपल के किनारे, और करकट के नीचे आप लोग को, करकट के नीचे आप लोग को ज्ञान की प्राप्ति, करकट के नीचे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े, याद है ना क्या जी कृपाइट, याद है, ज्ञान की प्राप्ति किस ग्राम में, जाम्बी ग्राम, कौन सा वृक्ष, साल वृक्ष, कौन सा वृक्ष, कौन सी नदी, ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी, इनका कौन नदी था, फल्गुन, इनका फल्गुन, जैन धर्म में कितनी संगी थी, दो, 300 ईसा पूर्व और 600 शताब्दी, 300 ईसा पूर्व और 600 शताब्दी, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और 600 ईसी, पाटलिपुत्र में हुई 600, 300 ईसा पूर्व, और दूसरी जैन धर्म कितनी भाग में बटा, दो, वस्त्र पहना श्वेतांबर, सफेद वस्त्र श्वेतांबर, उघारे बिना वस्त्र का, बिना वस्त्र का, महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष, किस स्थान पर, कुंडग्राम, किस स्थान पर, पिता का नाम कौन से कुल में, हाँ पिता, माता का नाम, पत्नी बेटी, दामाद का नाम जमाल, गृह त्याग 30 वर्ष, मोक्ष को क्या कहा गया केवल, त्रिरत्न में शामिल किया गया केएफसी, मृत्यु हुई थी पावापुरी, भाषा थी प्रकृति, मोक्ष में बाधा आत्मा, ईश्वर को माना नहीं, कर्म कांड को माना नहीं, मोक्ष की प्राप्ति को माना, पुनर्जन्म को माना, पुनर्जन्म का बाधा, ज्ञान की प्राप्ति किस ग्राम में, किस वृक्ष के नीचे, कौन सी नदी के नीचे, कितनी संगीतियां हुई थी, पहली संगीति पर, दूसरा बल्लभी में, पहला किस वर्ष, 300 ईसा पूर्व, दूसरा का 600, जैन धर्म में कितने विभाजन, सफेद वस्त्र काला वस्त्र बिना कपड़ा उगारे, समझ में गया कि नहीं, बिना वस्त्र का दिगंबर, आगे बढ़े, याद हो गया भद्रबाहु, अब आते हैं किस पे, महात्मा बुद्ध पे, किस पे, महात्मा बुद्ध स्टार्ट, तुम सब भुला गया था, सभी सब बहुत बड़ा खचरा है तुम लोग, और लड़की भी भुला गई थी, ये भी खचरी है सब, लड़का लड़की दोनों एक कैटेगरी का, समझ में गया कि नहीं गया, ईमानदारी से बताओ भुलाया था कि नहीं भुलाया था, नहीं भुलाया था, लड़कों पे तो हमको कभी विश्वास नहीं हो, साधु क्या हो गया, आगे देखते बताइए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563, महात्मा बुद्ध 563, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर, लुम्बिनी, किस वर्ष जन्म हुआ, 500, कहां पर हुआ, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम गौतमी, पिता का नाम सुधोधन, पत्नी का नाम यशोधरा, यशोदा उनका था, इनका यशोधरा, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहुल, गृह त्याग 29, गृह त्याग
सांग दर्शन अलार कलाम, सांग दर्शन अलार कलाम, सांग दर्शन ज्ञान प्राप्ति बोध गया। नदी का नाम निरंजना, फल्गुया निरंजना। वृक्ष का नाम पीपल, वृक्ष का नाम। कौने दिन बैसाख पूर्णिमा, कौने दिन, कौने दिन, कौन से वंश के दिन? शाक के कुल, कौन से कुल के? शाक के कुल, इसलिए इन्हें शाक के मुनि कहा जाता है। कौन से कुल के? शाक के कुल। कौन से कुल के? कौन से कुल के? इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शाक के मुनि। क्या कहा जाता है? शाक के मुनि। क्या कहा जाएगा? शाक के मुनि। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। कौन से वृक्ष? कौन सी नदी? क्या ये भगवान को माने? पुनर्जागरण को, पुनर्जन्म को मान। पुनर्जन्म में बाधा इच्छा, और उन्होंने पुनर्जन्म आत्मा, इन्होंने इच्छा, इन्होंने याद रहेगा किसे माना? इच्छा। किसे माना? उन्होंने दिया था केवल संलेखना, जैन धर्म में संलेखना, और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म में अष्टांग, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में इनका प्रिय शिष्य आनंद, शिष्या आमरपाली, बौद्ध धर्म में आने वाली पहली महिला गौतमी, बौद्ध धर्म में आने वाली नचनिया कौन थी? आमरपाल, डांसर, नृत्यांगना है, नचनिया बोलो सीधे, नृत्यांगना, बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला हो गया। बौद्ध धर्म कितनी भाग में टूटा? तीन भाग में। कितनी भाग में? तीन। महायान, हीनयान, ब्रजयान। महायान, हीनयान, ब्रजयान। महायान, हीनयान, ब्रजयान। महायान, हीनयान, ब्रज। कितनी भाग में? जो थोड़ा बहुत चेंज किए महायान, जो नहीं चेंज किए हीनयान, चौपट कर दिए ब्रजयान। कितनी संगीतियां? चार। कितनी संगीतियां? आज बौद्ध धर्म को दोबारा बताइए फुली कंसंट्रेट होके, क्योंकि जैन या बौद्ध से एक क्वेश्चन चिपकाएगा और इसी में सही भी करेगा। सही में खड़े एकदम आता है। आपको क्या हो गया जी? सूरजमुखी? संलेखना कर रहे हो क्या? संलेखना बताइए किस धर्म? अष्टांगिक मार्ग, संलेखना जैन धर्म। आगे बढ़े। महात्मा, महात्मा बुद्ध का जन्म, हम कहां थोड़े पूछ रहे हैं बकलोलो। जन्म कब हुआ? 563। कहां पर हुआ? लुम्बिनी। पिता का नाम? सिद्धार्थ शुद्धोदन। पिता का नाम? बचपन का नाम? सिद्धार्थ। बचपन का नाम? माता का नाम? माता का नाम? मामा। सौतेली माँ गौत, मौसी गौतमी, पत्नी यशोधरा, पत्नी यशोधरा, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल। गृह त्याग 29। गृह त्याग, गृह त्याग। सांख दर्शन अलार कलाम, सांख दर्शन, सांख दर्शन ज्ञान प्राप्ति बोध गया। पेड़ का नाम? वृक्ष पीपल, वृक्ष। नदी निरंजना। दूसरा नाम फल्गु निरंजना या निरंजना या। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश, पहला उपदेश, पहला उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, अंतिम उपदेश कुशीनगर, अंतिम उपदेश पहला उपदेश, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, अंतिम उपदेश कुशीनगर, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश। इन्हें शाक मुनि कहा जाता है। शाक मुनि, शाक मुनि, शाक मुनि, शाक मुनि, शाक मुनि। कितनी संगीतियां? कितनी संगीतियां? इनका गृह त्याग क्या कहलाता है? घोड़ा। महाभिनिष्क्रमण घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण
ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष और उपदेश धामचक प्रवर्तन, उपदेश धामचक, मृत्यु महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण मृत्यु महापरि, कितनी संगीतियां। अच्छा पहला राजगीर, जगह बोलिए राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। अब आपको डेट बताना है 483, 383, 255 पहली सदी, याद हो गया, सिंपल सा तो है। अब आपको बताना है राजा आजाद शत्रु काला अशोक, अशोक द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक बोलिए, कनिष्क नहीं द्वितीय अशोक, कनिष्क को ही क्या कहते हैं द्वितीय, कनिष्क को ही याद हो गया, कनिष्क का ही नाम है द्वितीय अशोक। आगे बढ़े काला अशोक, अशोक आजाद शत्रु काला अशोक, अशोक द्वितीय अशोक, काला अशोक, अशोक द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक। आप बताइए पुरोहित का नाम महाकश्यप, मोगली पुत्री साबक मीर और वसुमित, हो गया सबसे पहला, सबसे पहला, उसके बाद साबक मीर, उसके बाद मोगली पुत्री, पहले महान आदमी फिर सबको बोल रहे फिर मौखिक बोलिए तब ना मित्र बनेंगे। आप बताइए कितने बार बताएंगे इस चीज को, याद कराते समय बताए थे ना, हाँ उधर पैरासूट जैकेट पहना है कि पैरासूट जी पीला वाला पूरा खतरनाक पहना है। चलिए बताइए आप लोग चौथी तीसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितनी भाग में टूटा, कितनी भाग में, दो, कौन कौन, हीनयान और माया, बताइए राजा खुद कनिष्क, हाँ तो चौथी है ना बोले हैं, तीसरी बोल दे एगो जोड़ लीजिए, चौथी में टूटा था। अब 40-42 साल में दिमाग काम नहीं करता, कितनी भाग में, दो, कितनी भाग में, खुद राजा कनिष्क किसे मानता था, महायान, राजा के लिए, बिजनेसमैन के लिए, नेता के लिए, शिक्षक के लिए, प्रतिनिधियों के लिए, धर्म चलेगा तो चल चौपट हो जाएगा खुद, नहीं समझ में आ गया, धर्म के हिसाब से उसको नहीं चलना पड़ता, राजा धर्म के हिसाब से चलेगा तो देश तो डुबा देगा, क्या जी कंफर्म डुबा देगा। आगे बढ़े बताया जाए मगध पे देखते हैं, कितने महाजनपद, 16 महाजनपदों की चर्चा, हरियंक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हरियंक वंश के संस्थापक, अब होगा यहां पर सुपर फास्ट, बताइए हरियंक वंश के संस्थापक, हरियंक वंश, हरियंक वंश, हरियंक वंश, इसके वैद्य का नाम जीवक, वैद्य का नाम बिया बहुत करता था, बेटा का नाम आजाद शत्रु, बेटा का नाम आजाद, बेटा का नाम अमित्रघात किसे कहते हैं, आजाद शत्रु, राजधानी की बताइए, राजगीर को राजधानी बनाया बिंबिसार, किला बंदी किया, आजाद शत्रु का बेटा उदयीन, आजाद शत्रु का बेटा किसको मार दिया, आजाद शत्रु, वैशाली जीता था, आजाद शत्रु वैशाली जीता, जीवक वैद्य था बिंबिसार, जीवक वैद्य था, राजधानी राजगीर बनाया बीबीस, राजधानी का किलाबंदी करा अमित्रघात, अमित्रघात वैशाली विजय, आजाद शत्रु वैशाली विजय, आजाद शत्रु के गुप्तचर का नाम वर्षकार, आजाद शत्रु के गुप्तचर वर्ष, इसका वैद्य का नाम जीवक, उदयीन ने राजधानी किसे बना दिया पाटली, उदयीन ने राजधानी बना दिया, उदयीन ने राजधानी बनाया, अंतिम शासक नागदशक, अंतिम शासक, अंतिम शासक नागदशक, अंतिम शासक, इसके बाद आया शिशुनाग वंश, कौन सा आया शिशुनाग वंश, कौन आया शिशुनाग, संस्थापक शिशुनाग, संस्थापक, संस्थापक शिशुनाग, सबसे प्रतापी शासक कालाशोक, सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शिशुनाग राजधानी ले गया वैशाली, शिशुनाग राजधानी ले गया वैशाली, वापस पाटलिपुत्र लाया कालाशोक, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, महान शासक कालाशोक, महान शासक
वैशाली राजधानी कौन ले गया? शिशुराज वापस लाया, काला वापस लाया, अंतिम शासक नंदीवर्म। एकरा मत याद रखिए, नाग दशक बाढ़ में जो सोचा अंतिम शासक नहीं समझे, कोनो काम का था ही नहीं तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा मेमोरी भरने का, दूसर कुछ याद करेगा आदमी, मर गया होगा इसका अंतिम शासक। यहाँ अपन पर चौथा दादा का नाम ना याद है लोगों को, इनके अंतिम शासक का नाम याद है। इसके बाद नंदवंश, नंदवंश कौन वंश, संस्थापक महापद्मनंद, 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 महापद्म नंद, क्षत्रियों का नाश किया महापद्म, सर्व क्षत्रांतक महापद्म नंद, एकराट की उपाधि महापद्म, कलिंग अभियान महापद्म नंद, क्षत्रियों का नाश करने वाला एकराट की उपाधि, सर्व क्षत्रांतक कलिंग अभियान, इसका बेटा धनानंद, बेटा का नाम धनानंद, बेटा का नाम धन, बेटा का नाम धनानंद कुमारा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जिसको हराता था ओकर बेटी से ब्याह कर लिया, एकर बेटी दूरधरा ब्याह कर लिया, दूरधरा से ब्याह कर, आ सेलुकस निकेटर आया ओकरो हटा के ओकरो ब्याह कर, कार्देलिया से ब्याह, इससे डरे जल्दी लड़ाई नहीं करता था, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया। जो लड़की को चंद्रगुप्त मौर्य से ब्याह करना था बाप को चढ़ा देती थी, मार कीजिए उससे, मार कीजिए, जानता था कि मारेगा बेटी से क्या हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। पहले की लड़की सब जो थी सब ना, मतलब दू दो को ब्याह करके कोई रह जाता था, आज तनी कोई दू ब्याह करे उसके कान से धुआं निकलेगा, ऐसा नहीं समझ आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, सबसे क्रूर शासक धनानंद, सबसे क्रूर शासक सिकंदर का आक्रमण के समय धनानंद, सिकंदर का आक्रमण धनानंद, सिकंदर का आक्रमण धनानंद, सिकंदर का आक्रमण। इसके बाद मौर्य वंश, कौन सा वंश, मौर्य, कौन वंश, मौर्य वंश, कौन वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसके गुरु का नाम चाणक्य, गुरु का नाम किसे मारा था और उधर किसे आ रहा था, सेलुकस निकेटर, उसकी बेटी का नाम कार्नेलिया, ओकरा से क्या कर लिया ब्याह, धनानंद को भी हराया, इसकी बेटी का नाम दूरधरा, एकरो से क्या कर लिया ब्याह, और खोजता था कोई और है, और आगे बढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य आगे बढ़ जाते, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपना लिया, जैन धर्म, श्रावण बेलगोला में मृत्यु हुई, श्रावण बेलगोला में मृत्यु हुई, चंद्रगुप्त मौर्य अर्थशास्त्र के रचयिता, अर्थशास्त्र के रचयिता, पहला अखिल भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य, श्रावण बेलगोला में मृत्यु हुई, चंद किसका, चंद्रगुप्त, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख मिला है गोरखपुर में, मिला है सागर अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य का सागर अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य का सागर अभिलेख, उससे अकाल की जानकारी मिली है, सागर अभिलेख से मिली है, समझ में गया कि नहीं, सागर अभिलेख किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का, वो उससे किसकी जानकारी मिली है, अकाल, किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम तक था, जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा झील बनवाया, सुदर्शन झील, जूनागढ़ अभिलेख किस राजा का है, रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, किसका है, रुद्रदामन का, किसका है, रुद्र, सिकंदर जब आक्रमण किया था मगध का शासक धनानंद, 323 ईसा पूर्व आक्रमण किसने किया, 326 किया, 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया और 323 में मर गया, 323 में मर गया, सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर किस पर हमला किया, चंद्रगुप्त मौर्य, थूर दिया कौन, चंद्रगुप्त, बेटी का नाम कार्नेलिया, इसने बताइए मेगास्थनीज किसके दरबार में, चंद्रगुप्त,
इंडिका पुस्तक एक अस्थिनी इंडिका पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवण बेलगोल। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार कौन बना था? बिंदुसार। सीरिया नरेश से क्या मांगा था? शराब, अंजीर, दार्शनिक, मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक। उसने दार्शनिक दिया था? दार्शनिक दिया नहीं दिया। इसके समय विद्रोह हुआ था कहां पर? कश्मीर में। कश्मीर के विद्रोह को के लिए किसे भेजा? सुसीम को। लेकिन सुसीम नहीं दबा पाया, किसे भेजा? अशोक। श्रीनगर की स्थापना, कश्मीर विद्रोह को शांत किया। कश्मीर की चर्चा किस पुस्तक में? राज तरंग। कश्मीर की चर्चा राज तरंग, कश्मीर की चर्चा राज, अशोक अशोक कलहन की है, कलहन की पुस्तक राज तरंग। कितने भाइयों को मार के बना? कितने भाइयों को? अशोक का अर्थ होता है जिसे कोई भी दुख नहीं हो। अशोक का बताइए, अशोक के कश्मीर अभियान की चर्चा किस पुस्तक में? राज तरंगिनी में। राजा बना ये किस वर्ष? 269 ईस्वी पूर्व क्या बना? राजा बना। राज्याभिषेक 269, राज्याभिषेक 269, राज्याभिषेक। कलिंग आक्रमण 261, चौथा वर्ष आठवां वर्ष, कलिंग आक्रमण आठवां वर्ष, कलिंग आक्रमण 261, कलिंग आक्रमण 200, चौथे वर्ष 61। बताइए राज्याभिषेक के चौथे वर्ष? आठवें वर्ष। राज्याभिषेक के आठवें वर्ष, दसवें वर्ष गया, बीसवें वर्ष लुम्बनी। राज्याभिषेक के आठवें वर्ष कलिंग, आठवां वर्ष कलिंग, दसवा गया, बीसवा लुम्बनी, आठवा कलिंग, दसवा बीसवा, पांचवा नहीं, पांचवा में है, पांचवा कोनो काम का नहीं था। आठवा, आठवा कलिंग, आठवा कलिंग, दसवा गया, बीसवा, बीसवा, बीसवा। कोई दिक्कत? अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा निग्रोध, भतीजा निग्रोध, भतीजा। अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा निग्रोध, अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा निग्रोध। बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त, बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा। अशोक ने अपना अभिलेखों पे नाम लिखा है? अभिलेख लिखने की प्रेरणा डेरियस, अभिलेख लिखने की प्रेरणा डेरियस। अशोक ने अपने अभिलेखों पे नाम क्या लिखा है? प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शनी। लेकिन गुर्जरा और मास्की में अशोक, गुर्जरा और मास्की में अशोक, गुर्जरा और मास्की में। और भबरू अभिलेख में मगध सम्राट, 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 भबरू अभिलेख मगध सम्राट, गुर्जरा और मास्की। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न भबरू अभिलेख, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न भबरू अभिलेख। गया में बराबर की पहाड़ियों में चार गुफा, लोमस ऋषि कर्ण चौपड़ा विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़ा विश्व झोपड़ी। ये किसे दे दिया? आजीवक संप्रदाय। किसे? आजीवक संप्रदाय को। किसे? आजीवक संप्रदाय। अशोक ने 14 शिलालेख बनाए। पहला शिलालेख में अहिंसा, दूसरा में पशु हत्या पर रोक, तीसरा में तीन अधिकारी, राजुक युक्तक प्रदेशक, राजुक युक्तक प्रदेशक, राजुक युक्तक प्रदेशक। चौथा में भैरी घोष के जगह पे धाम में घोष, भैरी घोष की जगह पे धाम। पांचवा में धाम में महामात्र, पांचवा में धाम में महामात्र, पांचवा में धाम में महामात्र, पांचवा में सबसे बड़ा सातवा, सबसे बड़ा सबसे छोटा रुमन देई, सबसे बड़ा सातवा सबसे छोटा रुमन देई, सबसे बड़ा सातवा सबसे छोटा रुमन देई, सबसे बड़ा सातवा सबसे छोटा। महिलाओं के लिए बारहवा, महिला महामात्र बारह, महिला महामात्र बारह, कलिंग तेरा, कलिंग तेरा, माफी मांगा चौदम, स्पेलिंग मिस्टेक चौदम, बोला गलती हो जाएगा, हमारा कौन गलती, लिख ठोक के गलती कर दिया, गलती टाइपराइटर की है, समझ गया किस में बोला है, गलती टाइपराइटर की चौदम। देखिए कितना होशियार है, एकदम आखिरी में तो कोई भी बोलेगा कि गलती टाइपराइटर की, और जस्ट उसके पहले 13वां में कलिंग के बारे में बोला,
देख रहे एकदम लास्ट में बोला है, सोच सोच के एक बार में लिखा नहीं गया, लिखने में आज 10 साल लगा है। ये सोचा था कि ना लिखेंगे कलिंग के बारे में, ना लिखेंगे, तो लिख दिया कोनो जाके वहां पे कलिंग यही कटवाया था, नहीं तो सोच रहा था महिलाओं की स्थिति के बता के अब फिर निकल जाएंगे। समझ में कि नहीं गया, महिला महामात्र सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सब धम्म महामात्र 5, स्त्री महामात्र 12, कलिंग भैरी घोष धम्म घोष 4, 3 अधिकारी 3, राजयुग युक्तक और प्रदेश। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजयुग, सबसे महत्वपूर्ण राजयुग होता था। वेरी गुड। इसकी पत्नी का अभिलेख कारुबा की, कौन सा है कारुबा, कहां पर है कौसाम्बी में, कहां पे है कौसाम्बी। इसकी पत्नी कई गो थी, सब 4-5 को पत्नी थी सब। उसमें कारुबा की जो थी बहुत ज्यादा दान देती थी, कुछ कुछ महिलाएं बहुत दान देती हैं सब, और कुछ कुछ मूंगफली का छिलका सहित खा जाती है। कती तो जियान हो तो छिलका जियान हो तो बताए गुर्जरा मास की में सर 4 पत्नी को कैसे हैंडल करता था पता नहीं, उस समय की लड़की सीधा होती होगी सर, नहीं समझ में आ गया, मत पूछो। हमारा जितना दोस्त सबका शादी हुआ है, कभी हम लोग जाते हैं किसी मीटिंग उटिंग में 10 मिनट लेट हो गया तो खड़े वीडियो कॉल करती है सब। हाँ, और गलती से हम उठा लिए ना तो फिर उन सब को मतलब 1 सेकंड ना रुक सकते हैं सर, मतलब 2 सेकंड रुक गए तो कुछ सुना देंगे, हम खड़े काट देती है सर, समझ में आ गया कि नहीं। और उसके बाद फिर 5 मिनट बाद फोन करेगी तो उठाएगा, जल्लादवा कहां से फोन उठाया था। हमारा जल्लाद कहती है, कहते तो वो आदमी ना मशीन है, वो उसको कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभी कहे अब सबका कहना है कि तुम जाओ जहां जाओ हमारे लिए कुछ खरीद के ले आओ, माने राजस्थान जाओ तो हुआ जो मिले लेके आओ, लुधियाना जाओ हुआ लेके आओ, लड़का सब अपने लिए कुछ खरीदबे नहीं करता, अपन तो आदमी को फोटो खींचबे नहीं किया, नहीं जान जाए अपना को जब झगड़ा लड़ाई हो जाएगा ना कोनो में, नहीं मानेगी तो धमकी देगा सब ठीक है जा रहे हैं, तब पटना ओकरे लगे रहेंगे तो फिर मान जाती है, जानती है कि गया ना। इतना ना उसको हम चार्ज कर देंगे ना कि आते जैन धर्म अपना ब्रह्मचर्यवादी हो जाएगा, गृह त्याग करा देंगे हम, कहेंगे चल तो रहा गया ले चलते, जो नहीं माना उसको सीधे फोन करें जल्लाद को। आगे बढ़ते हैं, कौसाम्बी अभिलेख कारुबा कम, इस तरह का टोपरा के अभिलेख को दिल्ली लाया, फिरोजशाह तुगलक मेरठ अभिलेख को दिल्ली लाया, कौसाम्बी को इलाहाबाद ले गया अशोक, अकबर कौन ले गया अकबर, अशोक कहां से ले जा अकबर ले गया ना, अशोक खत्म। अब आते हैं कौन सा वंश, शुंग वंश, अशोक के बेटा बेटी महेंद्र और संगमित्रा, महेंद्र और संगमित्र कहां भेजा था श्रीलंका, सब बेटा बेटी मर खप गया, इसका कोनो काम लायक नहीं बचा सर, हसीन मसूक सा शुंग वंश, मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय, गैर क्षेत्रीय, गैर क्षेत्रीय शुंग वंश, राजधानी बनाया विदिशा को, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग या ब्राह्मण था, क्या था ब्राह्मण था, इसने बौद्ध मंदिरों को तोड़वा दिया, बौद्ध मंदिरों को तोड़वा दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बौद्ध मंदिरों को क्या किया तोड़वा दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पुष्यमित्र शुंग जो था इसके संस्थापक था, ये कैसा था ब्राह्मण था, क्या था गैर क्षत्रिय शासक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी मध्य प्रदेश के विदिशा, इसने दो दो बार क्या कराया था अश्वमेघ यज्ञ, इसके दो दो बार क्या कराया अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ, इसमें घोड़ा छोड़ देता था मनबल घोड़ा हाँक देता था सर, जिसके खेत में घुस गया खेत उसका हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दो दो अश्वमेघ यज्ञ कराया पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग मीनांडर को हराया पुष्यमित्र शुंग, मीनांडर जब भारत आया तो उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया नागसेन, इसकी चर्चा किस पुस्तक में,
किसमें मिलिंदपन हो, किसमें मिलिंद मिलिंदपन हो में, वेरी गुड। ये भी आ गया सुंग वंश के बाद, कर्ण वंश संस्थापक वासुदेव, कोनो काम का नहीं, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव खत्म, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव खत्म, बस वासुदेव खत्म। इसके बाद सातवां बाबू सातवाहन से क्वेश्चन पूछेगा, मातृ सत्तात्मक शीशे का सिक्का, ब्राह्मणों को भूदान, सर्वाधिक भूदान गुप्त शासक, सर्वाधिक भूदान गुप्त शासक, आंध्र सातवाहन कहा जाता था, इनका क्षेत्र कौन था, आंध्र प्रदेश, आंध्र सातवाहन कहा जाता था सातवाहन शासकों को, सातवाहन के संस्थापक सिमुख, सातवाहन के संस्थापक सिमुख, सातवाहन संस्थापक, सातवाहन में सबसे महत्वपूर्ण था समुद्रगुप्त, सुनो सुनो, सातवाहन का सबसे योग्य शासक समुद्रगुप्त गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सर, इसने नापान को हराया था, सक शासक नापान को हराया था, समुद्रगुप्त गलती से बोल दी थी, नापान बोलने वाली थी नापान बोलने वाली थी, गलती से समुद्रगुप्त बोल दी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े, टाइपिंग मिस्टेक, ये भी अशोक का चौथा चौदहवां शिलालेख में जाएगी, आगे बढ़े। गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश के सबसे महान शासक, इन्होंने हराया था नापान को, जिसकी जानकारी जोगल थोम्बी अभिलेख में मिलता है, नासिक के पास ये है। वशिष्ठीपुत्र पुल्लुमावी उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, उनको रुद्रदामन कचर दिया था, रुद्रदामन क्या किया था, कचर दिया, समझ में आ गया नहीं आ गया, दोनों में मार हुआ था, इधर से पहला बार आया था, इस साइड से आया था सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, मार के गया किसको, नापान को, सक शासक नापान को चला गया। इसके बाद कौन आया, वशिष्ठीपुत्र पुल्लुमावी, इधर आया रुद्रदामन, रुद्रदामन कचर दिया किसको, वशिष्ठीपुत्र पुल्लुमावी, ऐसे ऐसे कचरा है सभी, बदला बदल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, सातवाहन का सबसे महान शीशे का सिक्का, मातृ सत्तात्मक, ब्राह्मणों को भूदान, सातवाहन शासक संस्थापक प्रतापी शासक, हाल नहीं, हाल से भी प्रतापी गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जीपीएस कौन था, जीपीएस, जीपीएस हो गया, मगध समाप्त, मगध खत्म, दक्षिण भारत प्रस्थान किया जाए, कूच करा जाए, सेना उठाए, कहां चले, दक्षिण, दक्षिण भारत, देखिए अच्छा ये बताओ, ये ऐसे मटेरियल दे देते तो तू घर से पढ़ता सब, हाँ? गुप्त वंश चंडाल कर रहा है, गुप्त वंश पढ़ाइए, चंडाल भी पढ़ने लगा है, हाँ? ना चंडाल पढ़ता है, चंडाल पढ़ता है, सबसे खचरा दरोगा अपने क्षेत्र का यही चंडाल होगा, सही, लेकिन ऐसा नहीं, देखिए हम सबको कहते हैं कि हमारा तो आशीर्वाद, आप जितने एग्जाम देने जा रहे हैं सबके साथ आशीर्वाद है, लेकिन जो विद्यार्थी के मन में नौकरी लेने के बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट का एक पद होता है, जो गरीबों को अक्सर कहा जाता है सताता है, इस भावना से जा रहा है कि गरीबों की आवाज बनेगा, उसको मेरा दिल से एकदम एकदम दिल से आशीर्वाद, भगवान उसको हमारे हिस्सा का भी आशीर्वाद दे दे, गरीबों को एकदम आवाज बनी है वहां पे, गरीब इंसान थाना में जाने से पहले डर जाता है, अमीर को कौन चीज, अपन गाड़ी लेके जाता है, दरोगा देखता हमरा से तो मांगा है करे गाड़ी है तो आप लोग गरीबों की आवाज बनेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, डरना नहीं है किसी से, हम है ना बाबू, नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद भी, बहुत ज्यादा LIC, बहुत ज्यादा किसी चक्कर किसी चीज में पहुंच जाइएगा ना, याद कीजिएगा, किसी डिपार्टमेंटल घमासान कभी कभी होता है, कभी आप सही भी रहते हैं, कोनो जबरदस्ती सस्पेंड कर देता है,
तब आप महाकाल के भक्त के पास आइए। तो आप सब लोग, बाबू सब लोग को आशीर्वाद एकदम बढ़िया से जाएंगे। लेकिन हाँ, कोशिश ये कीजिएगा कि आप जहां भी जाएं, आपके ट्रांसफर से वहां के लोगों को एक तकलीफ हो। समझ में आएगी ना क्या? जब नौकरी आप लोग जब नौकरी लगती है ना, तो यहां से लड़का जाता है तो बड़ा इमोशनल होके जाता है पटना से, एक लगाव हो जाता है अपने, हर इंसान को लगाव होता है। आप जब जहां अपने घर से लगाव होता है, घर में वो बेड जिस कोना पे आप सोते होंगे उससे लगाव हो जाता है, वह नींद आता है अच्छा से, नहीं समझो कोने में जाके नहीं सोता। वैसे ही आप सब लोग को अपना इस तरह से करिए, ताकि बहुत हो गया अमीरों का अत्याचार, नहीं हो गया, एक बार खेला आप लोग कीजिए। चलिए अब गुप्त वंश चालू करते हैं। गुप्त वंश देखिए, हसीन मसूकसा हो गया कि नहीं हो गया? हसीन मसूकसा, हसीन मसूकसा अब होगा ISPK, ISPK, हिंद यूनानी इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी इंडो ग्रीक, एक के विशेषता सोना का सिक्का, एक के विशेषता सोना का, हिंद यूनानी सोना का सिक्का, हिंद यूनानी सौ से शक शासक, शक शासक को क्षेत्रप कहा जाता था, शक शासकों को क्षेत्रप, शक शासकों को क्षेत्र, सबसे प्रमुख शक शासक रुद्रदामन, सबसे प्रमुख शक शासक रुद्र, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, सुदर्शन झील की चर्चा जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में? संस्कृत, जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत, इसमें लिखा है कि मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च से यहाँ आकर सुदर्शन झील बनवाया, मैं रुद्रदामन इसका पुनर्निर्माण करवा रहा। तो सुदर्शन झील किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसका शासन पश्चिम तक था, इसका पुनर्निर्माण अर्थात जीर्णोद्वार किसने? रुद्रदामन। जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार रुद्रदामन, जीर्णोद्वार रुद्रदामन। उसके बाद किसने करा? अस्कंदगुप्त, अशोक, अशोक के बाद इस चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और अशोक, अस्कंदगुप्त, कितने लोगों ने कराया? कितने लोगों ने? चार लोगों ने कराया था। रुद्रदामन का अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। पहला वंश में कुछ पढ़ना है? नहीं। कुषाण वंश में पढ़ना है? पढ़ना है। कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल कटपिशस, कुषाण के संस्थापक कुडुल, कुषाण के संस्थापक कुडुल कर, बाद में विंग कटपिशस कोनो काम का नहीं, कनिष्क, कौन? द्वितीय अशोक, कनिष्क, द्वितीय अशोक मगध पर आक्रमण किया, कनिष्क, उसका खुद का दरबारी कवि वसुमित्र यहां से उठा ले गया अशोकघोष, उठा ले गया अशोकघोष, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात ले गया अशोकघोष, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क, रेशम मार्ग पर अधिकार किया कनिष्क, राज्याभिषेक के 76वें छठी 78 ईस्वी शक संवत, 78 ईस्वी शक संवत, 78 ईस्वी शक राज्याभिषेक, 78 ईस्वी शक संवत, राज्याभिषेक 78 ईस्वी शक, इसके दरबारी कवि वसुमित्र आप पटना से उठा ले गया, पटना से उठा ले गया। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? पटना से किसे ले गया? महात्मा बुद्ध का क्या ले गया? रेशम मार्ग पर अधिकार किया। शक संवत कितने से चालू हुआ? 78 में। द्वितीय अशोक चरक किसके दरबार में? नागार्जुन किसके दरबार? गणेश, नागार्जुन, चरक, चरक संगीता, चरक भारत का नेपोलियन, भारत का आइंस्टीन, बताइए चरक संगीता किससे संबंधित? चिकित्सा। नागार्जुन किसके दरबार में? नागार्जुन किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। ISP के खत्म, इतने नहीं हिस्ट्री था जी, समझ में गया, खत्म हो गया, खड़े खत्म हो गया। आप बताइए गुप्त वंश,
और गुप्त के सामंत थे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के मरने के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष अलगले चल जाएंगे नीचे दक्षिण भारत। कौन सा वंश? गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच थे, श्री गुप्त घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम। तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, संस्थापक श्री गुप्त, संस्थापक श्री गुप्त, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, संस्थापक श्री गुप्त, वास्तविक संस्थापक। इस वंश का शासक समुद्रगुप्त। कौन है दा? संस्थापक श्री गुप्त। धरणी बांध्र समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कविराज समुद्र। लिच्छवी दोहित्र समुद्र। तीन समुद्र का पानी पीता। धरती बंद किसे कहा जाता है? वीणा बजाते हुए मौर्य शैली का सिक्का। सैनिक वेशभूषा पर समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। हरिसेन कवि समुद्रगुप्त। नहीं आएगा पूरा का पूरा समुद्रगुप्त का पूरा। तीन समुद्र घोड़ा पीता था। कल टेस्ट भी यही ने पूछा था, तीन समुद्र का पानी कैसे पिएगा। आगे बढ़े सर। समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय न था, संग में गया, विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, याद रहेगा। लिच्छवी दोहित्र, वीणा बजाते हुए, सैनिक वेशभूषा, भारत का नेपोलियन, धरणी बंद, सैनिक वेशभूषा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, दरबारी कवि का नाम हरिसेन। यो समुद्री गुप्त बोल रहा सर। दरबारी कवि, दरबारी कवि, दरबारी कवि। इसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। उपाधि विक्रमादित्य। शकों को नाश कर दिया चंद्रगुप्त। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय। अपनी भाभी को फंसा लिया चंद्रगुप्त द्वितीय। भाई को मार दिया चंद्रगुप्त द्वितीय। देवी चंद्रगुप्त में इसकी कहानी है। शकों का नाश किया चंद्रगुप्त। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। न्याय के लिए पत्थर का सिंहासन चंद्रगुप्त द्वितीय। न्याय का सिंहासन चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में नवरत्न, नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास। नवरत्न में सबसे प्रमुख कौन थे? कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। संस्कृत के लिए नवरत्न यहां रहते थे, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत महान कालिदास की रचनाएं, एक से एक बहुत बड़ी बड़ी रचना। संस्कृत में इतना बड़ा बड़ा श्लोक लिखे हैं कालिदास, जिसका कोई है। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधव, पार्वती पर्ण, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त। अगला देखिए चंद्रगुप्त हो गया। फायान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त। फायान कालिदास। नवरत्न रहते थे कालिदास के समय। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। गुप्त वंश के विनाश का कारण हुंड का आक्रमण। गुप्त वंश के विनाश का कारण हुंड का है। गुप्त वंश के विनाश का कारण हुंडो का आक्रमण। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त। इसके बाद हर्षवर्धन। कौन सा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज नहीं, उससे पहले थानेश्वर। हर्षवर्धन की राजधानी कन। बहिन का नाम राजश्री। बहिन का नाम भाई का नाम राजवर्धन। भाई का नाम राजवर्धन। भाई का नाम हर्षवर्धन ने शासन थानेश्वर से किया या कन्नौज से? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। बताइए ह्वेनसांग आया हर्ष। एक और रहेगा नहीं? हर्षवर्धन। ठीक है
हर्षवर्धन, समझ में गया, महान शासक है हर्षवर्धन के। वेन सांग आया, हर्षवर्धन वेन सांग फायन फो क्यू की लिखा, फ से फायन, फ से फो क्यू की, क्या लिखा फो क्यू की, और वेन सांग लिखा सी यू की, सी यू की। हर्षवर्धन एक अंतिम महान हिंदू शासक था। कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया कन्नौज, हर्षवर्धन भी आ गया था नहीं, इसलिए इसका वंश आगे नहीं गया। हर्षवर्धन ने शशांक को मारा, किसे मारा? शशांक। शशांक ने बौद्ध वृक्ष को क्या किया था? कटवा दिया, बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया। किसने कटवाया था? बौद्धि वृक्ष को कटवाया, शशांक ने कटवाया था। हर्षवर्धन जो था वो बहुत महान शासक था, इसने ह्वेनसांग को अयोध्या प्रयाग में होने वाला महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष बनाया, जिस वजह से ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। ब्राह्मणों ने क्या कर दिया था? विरोध किया था। ब्राह्मणों ने किसका विरोध किया? हर्षवर्धन का। महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया था? ह्वेनसांग। नीति का पंडित ह्वेनसांग। यात्रियों का राजकुमार सी यू की, फो क्यू की, कन्नौज राजधानी बनाया। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया, पुलकेसिन द्वितीय। हर्षवर्धन को हरा दिया पुलकेसिन, हर्षवर्धन को हरा दिया पुलकेसिन द्वितीय, हर्षवर्धन को हरा दिया पुल, नालंदा विश्व बोधि वृक्ष कटवा दिया। पांचवी पीढ़ी चलती है अभी, समझा गया कि नहीं? क्या पांचवी पीढ़ी किसने कटवाया था? शशांक, गौड़ शासक, बंगाल का पुराना नाम गौड़, गौड़ शासक ने किसे कटवा दिया? बोधि वृक्ष। हर्षवर्धन को हराया पुलकेसिन द्वितीय, किसने हरा दिया था? पुलकेसिन द्वितीय, किसने हराया? हर्षवर्धन के मरने के बाद उसकी राजधानी कन्नौज में सन्नाटा पड़ गया, जिसे भारतीय शून्यता की काल कहा जाता है। छठी शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय शून्यता का काल कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, किताब लिखा था हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट, हर्षचरित वाणभट्ट, कादंबरी वाण, रत्नावली लिखा हर्षवर्धन, रत्नावली वाणभट्ट ने लिखा, कादंबरी, कादंबरी वाणभट्ट, हर्षचरित वाणभट्ट, अब ये रत्नावली, रत्नावली हर्षवर्धन। दक्षिण भारत पर प्रियदर्शी का भी यही लिखा, नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली, सब किसने लिखा है? हर्षवर्धन। दक्षिण भारत चला जा, घुमा लाते हैं उधर से, जो टाइम है उधरे लगेगा, इधर तो गांधी जी को पकड़ेंगे, एक बार आजादी दिला देंगे, क्या दिला देंगे? अभी तो हम लोग के पास बहुत समय है, पूरा रात बचा। दक्षिण भारत चलते हैं, दक्षिण भारत में चेर वंश की राजधानी कारू, इधर में चेर, इधर में चोल, और नीचे में पांड, पांड वंश कहां थे? पांड वंश, इधर में चेर, चेर की राजधानी कारू, चेर की राजधानी कारू, इस साइड में चोल, चोल की राजधानी उरईऊर, उरईऊर, चोल की राजधानी उरईऊर, चोल की राजधानी उरईऊर, नीचे में पांड, पांड की राजधानी मदुरई, पांड की राजधानी मदुरई, पांड की राजधानी मदुरई, चोल का चिन्ह शेर, चोल का चिन्ह शेर, पांड की मछली, पांड की मछली, कारू की धनुष, कारू की धनुष, इसमें सबसे बहादुर चोल, सबसे बहादुर चोल, सबसे बहादुर चोल, चोल गन्ना के लिए था चेर, गन्ना के लिए चेर, गन्ना के लिए, गन्ना के लिए चेर था, यहाँ पे गन्ना उत्पादन के लिए था, कौन सा प्रसिद्ध था? चेर, गन्ना के लिए चेर। बताइए करिकाल कहाँ का था? चोल। सबसे खतरनाक शासक करिकाल, सबसे खतरनाक करिकाल, सबसे खतरनाक करिकाल, श्रीलंका से मजदूर लाया था करिकाल, श्रीलंका से मजदूर लाया करिकाल, श्रीलंका से मजदूर लाया, श्रीलंका से मजदूर लाया। आगे बढ़ जाए,
मछली चिंता, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, आगे बढ़े। नेट तो खत्म हो गया, फिर से एक तो रिचार्ज करा लो, किसी का हॉट स्पॉट ले लो, बचा होगा तो 15 रुपया में देगा 100 GB, 2 GB गदा कहीं का 100 GB बोल। हमको ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि हमारे तो चारों ओर वाईफाई रहता है, यहाँ पे भी वाईफाई, चेंबर में, ऑफिस में, हर जगह वाईफाई। हमको तो लगता है कि हम रिचार्ज कराते क्यों है, लेकिन रस्तों में जरूरी रहता है, गाड़ी उड़ी में, गाड़ी में कहां से वाईफाई लगाएंगे, बड़का खोपड़िया लगा के घूमेंगे। क्लास कितने बजे तक चलेगा बाबू? ये वित्तीय आपात है, इसे वापस लेना पड़ेगा, खत्म नहीं होगा। आगे हम लोग दक्षिण भारत में मारधार करा लेते हैं, मेली कराते हैं हम चालुक्य और पल्लवों में, चालुक्य और पल्लव में, उसके बाद करा देंगे चोल। क्या कराएंगे? चोल। और चोल के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन में घुसे, मध्यकालीन के बाद मुगल। तो बहुत इजी है, तब जी पैरासूट रेजिमेंट, थानेश्वर से पुरुषपुर ले गया था, राजधानी हर्षवर्धन का। आगे बढ़े, मार कराए, चलो बाबू देखो ध्यान से यहां पर, यह है वातापी। क्या है? वातापी। वातापी में कौन सा वंश? चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। और ये है कन पल्लव कांची, ये कौन है? यह कांची, कौन है? कांची। यह कौन सा वंश? पल्लव। कौन सा वंश? पल्लव। कौन सा वंश? पल्लव। यहां का मरखा शासक पुलकेसिन, पुलकेसिन द्वितीय, यह ससुरा जाके मारा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन छिटा गया, हर्षवर्धन छिटा गया। जब वो छिटा गया तो वहां पे कचरा अभिलेख लिखवाया। क्या नाम सा अभिलेख? एहोर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोर अभिलेख, एहोर अभिलेख। कौन अभिलेख? एहोर। बताइए किसने मारा? ये तो मेरा प्रिय विद्यार्थी, एकदम प्रिय विद्यार्थी मेरा। आगे बढ़ जाने, देखो लड़का इतना खचरा होता है, कोनो लड़की उसमें कमेंट कर दिया कि भूख लग गया है, तो 40 को कह रहा है स्विगी से मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो, इससे मंगा लो। नहीं समझा, बकलोल कहीं का इस सब, अरे उस सब लड़की सबको सब पहले से पता रहता है जोमेटो स्विगी। नहीं समझा, सबसे मरखा कौन था? पुलकेसिन द्वितीय, सबसे मरखा पुलकेसिन द्वितीय। उत्तर भारत में किसे हराया? हर्षवर्धन। उत्तर भारत में हर्षवर्धन को। अब देखते हैं वातापी के चालुक्य, किसका? वातापी का चल, इसमें पुलकेसिन द्वितीय जाता, दोबारा हमला कर दिया इसके महेंद्र वर्मन, किसे? महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन। किस पर आक्रमण किया? महेंद्र वर्मन। किसे हरा दिया? महेंद्र वर्मन को। किसे हरा दिया? महेंद्र वर्मन को। अब महेंद्र वर्मन को हरा कर कौन सी उपाधि? कांची कोण। कौन सी उपाधि? कांची कोण। कौन सी उपाधि? कांची कोण। कौन सी उपाधि? कांची। इसके बाद अगला शासक नरसिंह वर्मन, कौन सा? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। बताइए इसने फिर हमला किस पे किया? नरसिंह वर्मन। लेकिन इस बार नरसिंह वर्मन ने किसे हरा दिया? पुलकेसिन। आ इसकी हत्या कर दिया।
हत्या कर दिया, पुनर्जन्म इसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वातापी कौन, हत्या करने के बाद वाताप हो गया पल्लव, और ये हो गया पल्लवों की राजधानी कांची, वाताप चालुक्यों की राजधानी वातम, चालुक्य में सबसे महान शासक पुलकेशिन हर्षवर्धन को हराया, नीचे में महेंद्र वर्मन को हराया, पल्लवों की राजधानी कांची, कांची का सबसे महान शासक नरसिंह किसे हराया, पुलकेशिन द्वितीय, किसे हराया पुलकेशिन, और कौन सी उपाधि वातापी को। अब हम चलते चोल पर, किस पर चोल, इसके बाद कौन सा वंशन चोल, चोल के संस्थापक विजयाल, चोल के संस्थापक विजयाल, चोलों के संस्थापक, चोल वंश की स्थापना जो हुई किस वंश के ऊपर हुई थी, पल्लव, पल्लवों के ध्वंसावशेष पर चोल वंश, प्रारंभिक चोल की राजधानी उरईयूर, लेकिन बीच में 400 साल तक चोल एकदम बर्बाद हो गए, जैसे कैसे अभी मुगल बर्बाद हो गए हैं उसी तरह चोल बर्बाद हो गए थे, लेकिन दोबारा ये सब संगठित होकर दोबारा चोल वंश की स्थापना कर दिया, और इस वक्त राजधानी रखे थे तंजौर, राजधानी तंजौर, सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम, इससे पहले था राजा राज, राजा राज, राजा राज, इसने कहा आक्रमण किया श्रीलंका, राजा राज श्रीलंका, राजा राज श्रीलंका, इसके बाद राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया राजेंद्र, बंगाल अभियान किया राजेंद्र, इंडोनेशिया अभियान किया राजेंद्र चोल, स्थानीय स्वशासन चोल वंश, स्थानीय स्वशासन मजबूत नौसेना चोल, मजबूत नौसेना चोल, हो गया चोल खत्म, चोल खत्म। हर्षवर्धन मर गया कि नहीं, हर्षवर्धन मर गया, हर्षवर्धन को मारने के लिए कौन आएगा नीचे से, राष्ट्रकूट, कौन आएगा राष्ट्रकूट आएंगे सर नीचे से राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के आने के बाद फिर मुस्लिम आक्रमण होगा, क्या होगा मुस्लिम आक्रमण, राष्ट्रकूट के बाद मुस्लिम आक्रमण। बताइए हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज, हर्षवर्धन की, इधर से हमला किया पाल वंश, कौन हमला किया पाल, पाल वंश के शासक महिपाल को किसने हराया था, राजेंद्र चोल, महिपाल को हराया, इस साइड से कौन सा वंश पाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इस वंश के संस्थापक महिपाल को किसने हराया था, महिपाल को हराया था राजेंद्र, सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल, कौन था धर्मपाल, सबसे प्रतापी धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्म, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्म, इधर से आया था राष्ट्रकूट, नीचे से आया राष्ट्र, संस्थापक दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती, राष्ट्रकूट का संस्थापक, राष्ट्रकूट के त्रिरत्न पन पौन रन, पन पौन रन, पन पौन रन, समझ में आ गया, ये किसके संस्थापक, किसके, राष्ट्रकूट के त्रिरत्न कहे जाते हैं, राष्ट्रकूट वंश में सबसे प्रमुख शासक ध्रुव, राष्ट्रकूट में ध्रुव, ये भी किसमें गया त्रिपक्षीय संघ, ये दोनों पिता के चले आए, इधर में प्रतिहार, प्रतिहार शासक में नागभट्ट, नागभट्ट, नागभट्ट ने सबको साइड करके किस पर आक्रमण कर लिया, नागभट्ट ने किसे जीत लिया कन्नौज, नागभट्ट ने जीत लिया कन्नौज, याद हो गया बिटा के पूछे, नागभट्ट, नाग दशक लिख दिए थे साहब, चलेगा उसमें लिख दिया गया है, गलती हो गया है 14वां शिलालेख में डाल दीजिए, जहां कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो 14वां शिलालेख, पढ़ते पढ़ते मोबाइल आग बबूला हो गया है, मोबाइल हीट हो गया है, पानी में डाल दो, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है,
बच गया कौन? मुस्लिम आक्रमण। कौन सा? मुस्लिम। 10 मिनट के लिए लंच छोड़, ब्रेक, थोड़ा सा करंट देख लेते हैं 10-20 को, उसके बाद 10 मिनट और फिर 10 मिनट का लंच कर देंगे। 10 मिनट बस टालने के लिए, घर जाने के लिए नहीं मिलेगा इस बार। क्या पकड़ लिया भाई? लड़की सबको बुद्धि नहीं रहता है, करे 10 मिनट तो ही में भागती है, और छोटकी सब और बदमाश होती है। करे कहीं निकल जाएगी जमना पारी ऐसे। आईपीओ लॉन्च किया, डिंग फ्रॉम ट्रैप उड़ीसा में, गेम चेंजर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यूएई के कारोबारी यूसुफ अली।